दोस्तों, आज मैं एक आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी जो एक माँ, एक बेटे और एक बहू पे आधारित है। दोस्तों, एक माँ जिसका बेटा अमेरिका में रहता था, उसको फोन करता है और कहता है, हेलो माँ, मैं तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? और माँ ने बोला, ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हैं? बेटा, हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ हैरानी से टेंशन में पड़ गई। क्या इंडिया आ रहे हो? बेटा, हाँ मैं, अब हम सब साथ में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को अमेरिका ले आओ, वहां के लिए बहुत परेशान हो रही हो। सुन रही हो ना माँ? माँ, हाँ सुन लिया बेटा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। पूरे 5 साल बाद घर आने वाला था, बेटा के लिए आ रहा था। जब इंडिया पहुंचा, घर में आया तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा कहने लगा, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी पैसा किसी से लेना है और वो रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान घर की बात करता हूँ। माँ बोली, मकान? बेटा क्या बोल रहे हो? बेटी ने कहा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका चले जाएंगे। दोस्तों, बेटे ने कम पैसों में मकान बेच दिया। बेटा माँ को लेके एयरपोर्ट पहुंचा और बोला, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाके सामान को चेक और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटाकर जल्दी ही आता। माँ ने बोला, ठीक है बेटा। काफी समय बीत गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड जो देख रहा था कि माँ सुबह से अकेली बैठी है, उसने बोला, माँ जी किससे मिलना है? माँ, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया है, हम आज अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका। इतने में एक एयरपोर्ट कर्मचारी अंदर से बाहर आता है, गार्ड उसको सारी बात बताता है। तो वो माँ जी को बोलता है, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चलेगी। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ गए, किसी तरह वापिस घर पहुंची, जो कि अब तक बिक चुका था। रात में वो घर के बाहर एक रोड पे फुटपाथ पर सो गई। सुबह हुई तो उसी दयालु मकान मालिक ने उसको कमरा रहने के लिए दे दिया। पति की पेंशन से ही घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बोला, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र हो गई है, अकेले कब तक रह पाओगी? लेकिन उस बुढ़िया औरत ने बोला, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा वापिस आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? कौन उसको खाना खिलाएगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे और मकान मालिक देखते ही रह गया। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, माँ से कभी धोखा मत करना, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद जिता पे भी पड़ी हो तो उसके अंदर से यही आवाज आती है, बेटा कोई भारी लकड़ी मत उठाना, तुम थक जाओगे, तुम थक जाओगे। दोस्तों, मैं आपका साहिल सिंह
अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना।